हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाऊंगी कटहल के पकोड़े बनाऊंगी। तो सबसे पहले कटहल के पकोड़े बनाने के लिए हमें कटहल को उबाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, को मैंने कुकर में उबाल लिया है, आप देख सकते हैं कितने इजली जो है प्रेस हो रहे हैं। तो इसको उबाल लें कटहल को, और इसमें जो हमें चाहिए सामान मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं, इसमें मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, एक बड़ा साइज का प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च ली है, और मसाले में नमक स्वाद के अनुसार आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लेमन का यूज़ कर सकते हैं, बट इस दोनों में से एक ही ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ों में। तो चलिए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कटहल को पहले हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैश कर दिया है इसको मैंने। तो मैश करने के बाद इसमें हम सबसे पहले बेसन डालेंगे। बेसन डाल दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एक प्याज डाल देंगे। यहाँ पे देखिए हरी मिर्च डाली हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च और आमचूर पाउडर। चलिए इसको हाथों से मिला लेते हैं हम। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, और हाथों में आप थोड़ा सा तेल लगा लें, और उसके बाद हम आप कैसे भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो इसको मैं देखिए ऐसे करके डाल रही हूँ, आप कैसे भी डाल। अब इसको एक साइड से पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से हो गया है, इसको पलट लेते हैं हम। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से हो गया है, थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं इसको। तो देख सकते हैं आप, ऐसे ही बना रहे हैं हमें। तो एक साइड से और पका लेते हैं, 2 से 3 मिनट में मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पक जाता है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, कटहल के पकोड़े बनके एकदम तैयार है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे बन के पकौड़े तैयार हैं। देख सकते हैं आप, पास से दिखा रही हूँ मैं आपको, जिसको हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कटहल के पकोड़े बनके तैयार हैं, आप देख सकते हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं ये। तो आप इस तरीके से ये आप ट्राई कर सकते हैं कटहल के पकोड़े।